हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो ब्रदर चैनल में आपका वेलकम है। यह चैनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के जरिए यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे बनाएंगे उसके विषय में जानकारी दी गई है, सो प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखते रहें। पहले हम लोग YouTube को ओपन करते हैं और लॉग इन हो जाते हैं। लॉग इन होने के बाद माई चैनल पर जाते हैं। माई चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो ये एड चैनल आर्ट है, इसकी इस पर क्लिक करते हैं। एडिट चैनल आर्ट पर क्लिक किए, यहां से हम लोग हाउ टू क्रिएट चैनल आर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन चैनल आर्ट से रिलेटेड दी हुई है, सो इसे अगर आप लोग पढ़ लें तो बेहतर हो। यहाँ इमेज साइज एंड फाइल गाइडलाइन पर क्लिक करें और यहाँ पर इसकी साइज के विषय में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप यहाँ से चैनल आर्ट टेम्पलेट इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे इस चैनल आर्ट इस तरह ओपन होगा। चैनल आर्ट इस तरह का ओपन होगा। इसी पर आप लोगों को चैनल आर्ट बनाना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैनल आर्ट बनाना। फर्स्ट फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप ओपन करने के बाद यहां पर क्लिक करते हैं और चैनल आर्ट को करते हैं। चैनल आर्ट टेम्पलेट ओपन करते हैं। यहां पर यहां ओपन हो गया है। फोटोशॉप के जरिए बनाना है तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस आइकन पर रेक्टेंगल टूल को लेते हैं और इस पोर्शन में हम लोगों को काम करना है। जो पोर्शन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 मिनट, इस पोर्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिस पर हम लोगों को काम करना है, क्योंकि ये चैनल आर्ट में यूट्यूब पर जब अपलोड करते हैं तो वहां पर यही पोर्शन आप लोगों को सामने नजर आती है। कलर जो चूज करना है चूज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहे दे सकते हैं आप, ये देना चाहे ये दे, या कोई और चूज करना चाहे कर सकते हैं, जो भी दिल करे आप यहां से कलर चूज कर लें। सपोज करिए मैंने ये रखा। जिस चीज से रिलेटेड आपका चैनल है उसका नाम यहां पर लिखें। सपोज मेरा फोटोशॉप से रिलेटेड है, फोटोशॉप पर हम काम करना चाहते हैं तो यहां पर लिख देते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप से रिलेटेड अगर ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं या कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, फोटोशॉप ट्यूटोरियल यहां क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। देखिए यहां पर कंट्रोल टी प्रेस करते ही आ गया, इसको अपना रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज कर लिए।
इसको अगर इस कलर को आप व्हाइट है इसको अगर चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से जाकर आप चेंज कर सकते हैं, दूसरे स्ट्रोक स्ट्रोक जो भी लगाना चाहें कलर अगर चेंज करना यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से ब्लैक है सपोज हम रेड कर देते हैं, साइज को बढ़ा घटा या जो भी करना चाहें कर सकते हैं आप, इनर ग्लो आउटर ग्लो ये सब चेंज कर सकते हैं आप, इसमें जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। एक लाइन इसके नीचे हम लोग टान दे रहे हैं रेक्टेंगुलर टूल लेकर, इसका कलर व्हाइट जो भी कलर लेना चाहे चूज सकते हैं, चूज कर लें यहां से ब्लैक हो व्हाइट हो जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, सपोज मैंने व्हाइट ले लिया। अगर इसमें आप लोग पिक्चर लगाना चाहें तो गूगल में सर्च करके आप पिक्चर डाउनलोड कर लें पीएनजी फॉर्म और वहां से आप अपलोड कर लें, मैंने पिक्चर कुछ डाउनलोड किए हैं। सोशल मीडिया आइकन सोशल आइकन सपोज इस पिक्चर को मैं लेता पीएनजी, इसको आप रिसाइज कर लें यहां पर कंट्रोल टी दब पुश करके, हो गया यहां पे करें अप्लाई कर दें। सपोज इसी इमेज को आप इस साइड में भी लगाना चाहते हैं तो अल्ट देखिए यहां इस पर मूव टूल को आप चूज कर लें, उसके बाद अल्ट दबे इस पिक्चर पर क्लिक करें, इसको लेकर आए यहाँ पर, अब इसको अल्ट ही करें और इसको मूव कर दें इस साइड में, लाइक कर दें। अगर आप यहाँ पर सोशल आइकन लगाना चाहते हैं कुछ और भी लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, सपोज मैं सोशल आइकन लगा रहा हूं, मेरे पास गूगल से निकाल कर यहाँ पर कुछ पीएनजी फॉर्म रखा हूँ सोशल आइकन का, तो सेलेक्ट कर ले रहा हूं, चैनल ये तो हो गया, इसको बंद कर दे रहे हैं, इससे जरूरत तो है नहीं फिलहाल। ब्लॉगर का ये आइकन है जिसको हम लोग ले जाते हैं वहां पर जहां पर चैनल आर्ट बना रहे हैं, कंट्रोल टी पुश करेंगे, कंट्रोल टी ख्याल रखिएगा इसको कंट्रोल टी, इसको भी बंद कर दे रहे हैं। दूसरा ओपन करते हैं फेसबुक का आइकन है आप जानते हैं अच्छी तरह, कंट्रोल टी
आप जो भी आइकन या जो भी इमेज लगाना चाहें लगा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ भी कंट्रोल टी रिसाइज करने के लिए, कंट्रोल टी रिसाइज और इन आइकन को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, ब्लवर के आइकन पर क्लिक करें। देखिए यहाँ सिलेक्ट हो गया लेयर 3, स्ट्रोक पर जाएं, यहाँ ब्लैक है, अगर चेंज करना चाहें कलर को चेंज कर दें। सपोज हम ब्लू ले रहे हैं या कोई दूसरा, हाँ इस कलर को ले रहे हैं। देखें इसको साइज, इस साइज है, इसको बढ़ाने घटाने को क्या होता इसमें, जो चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, अपना जो भी ख्याल हो सोच समझ कर अपना चेंज कर सकते हैं। ओके कर दें। फेसबुक के आइकन पर जाते हैं, यहाँ भी स्ट्रोक लगाना चाहें आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। आप जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, उससे कलर में। खूबसूरत दिखने के ख्याल से इसीलिए कैंसिल कर देता शायद मैं। इस तरह आपका चैनल आर्ट बनकर तैयार हो गया। ये खूबसूरत चैनल आर्ट बन गया। अब इसको आप यहां से सेव कर लें, सेव एज पर जाएं और जो भी नाम देना हो आप यहां पर सपोज फाइनल लिखते हैं, फोटोशॉप फाइनल आएगा। तो फाइनल यहां पर पीएनजी कर दें, जेपीजी यहां एसयू कर दें, ओके कर दें। इस तरह आपका खूबसूरत चैनल आर्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए अब इसे आप अपलोड कर सकते हैं वहां पर।